आज जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए और बहुत अच्छा मौसम है तो हम घर से निकल चुके हैं। आपको वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे आपको। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। हम अभी पर्पल चौक में हैं। यहाँ से देखिए ये आती है आपको जगदलपुर की तरफ से, जैसे रेल क्रॉसिंग करेंगे तो एक जगदलपुर की तरफ से और यही रोड जाती है आपको, जो सामने दिख रहा है वही रोड है। अब इसी रोड में निकलते हैं हम आगे और आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताएंगे लोकेशन। हम आ चुके हैं पंडित पानी टू में और हमारे साथी लोग मिले हैं पंडित पानी टू का। अब उनसे पूछते हैं जो जाते हैं वहाँ जा रहे हैं लेके आपको, और इस भाई लोग आपको लेके जाएंगे वहाँ से। तो हम लोग इनसे दोस्ती हो गया, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु है? हाँ। भाई जी का विष्णु है, बहुत स्मार्ट है और ये क्या है ना और कौन सा काम करते हैं बता दीजिए। मैं करता हूँ ये रेलवे काम। हाँ रेलवे काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। मैं भी रेलवे काम करता हूँ। ये भी रेलवे काम करते हैं तो मिलके अच्छा हुआ इनसे, बहुत अच्छा लगा इनसे। अब ये रास्ता बताएंगे हमको, हम चलते हैं इनके साथ में। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये रोड जाती है जो वाटरफॉल बता रहे हैं आपको, इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं और ये भाई लोग मिले हैं और इनके साथ में हम लोग जा रहे हैं। चलिए ये पंडित पानी टू है, पंडित पानी टू गाँव, गाँव का नाम पंडित पानी, लेकिन एक नंबर दूसरा है और दो नंबर अलग है। बहुत अच्छा शांत है यहाँ पे। तो क्या बनाएंगे आज, क्या खाएंगे? देसी मुर्गी। देसी मुर्गी खाएंगे, देसी मुर्गी, देसी मुर्गी खाएंगे ना। और नहाएंगे भी मस्त, नहाएंगे, नहाएंगे भी ना। हाँ, बहुत बहुत मजा आएगा। सीताराम, हाँ देसी मुर्गी खाएंगे और वाटरफॉल में नहाएंगे, नहाएंगे ना। हाँ, और यहाँ का भी मौसम भी बहुत अच्छा है, जंगल है और बहुत मजा आएगा आज। और यहाँ पे आपका क्या मिलता है जी? मुर्गी मिलेगा, दारू मुर्गी और सब मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे। और ये यहाँ का जो लोकेशन है आपको बहुत अच्छा लगेगा लोकेशन यहाँ का। और सीताराम जी तो अच्छा लगा पहाड़ों चढ़ के? सीताराम जी हाँ बहुत अच्छा लगा है, नए जगह आए हैं, एक बार आइए जरूर देखिए। देखिए नहीं, और हम लोग भी आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और जगदलपुर से करीबन 20 किलोमीटर होगा आसपास, 20 किलोमीटर है। आप परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं और पक्की सड़क है यहाँ पे, आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्पल भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे, टेम्पल भी है यहाँ पे, और जो नहाने के लिए तालाब भी है वो भी दिखाएंगे आपको। और जो जो पहाड़ है आप तो देख ही रहे हैं, पहाड़ कितना अच्छा है यहाँ पे, छीन पेड़ है नाला भी है। ये पानी देखो कितना बड़ा है, पानी देखियो खेत है एकदम पूरा। फुल एंजॉय बस। आप उधर देखिए सेल्फी भी है, सेल्फी है। हम शिव टेम्पल आए हैं आज और यहाँ पे शिव भगवान का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये जंगल के बीच में एक शिव टेम्पल है, हमारे साथी भी आए साथ में। और सीताराम जी आपको अच्छा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। और आप भी आइए यहाँ पे पंडित पानी टू में, और जो वाटरफॉल है वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और जंगल में आनंद ले सकते हैं। बोलो महाकाल, जय महाकाल। आप लोग कौन गांव से हैं? ये हजारीगुड़ा से। हजारीगुड़ा से ना, तो यहाँ पे शिव मंदिर में मेला लगता है? लगता है ना। और यहाँ पे रात में भालू निकलते हैं क्या? नहीं निकलते ना। ये पानी इतना ही रहता है इसमें? जब गर्मी रहेगा तो भी इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा ना, इतना ही रहेगा।
किसान भाई बता रहे हैं हमको, सुरंग है ना? हाँ, सुरंग है, पुष्पाल अलनार से, अलनार से सुरंग है, यहीं पे आके निकला हुआ है वो, है ना? हाँ। पानी जो यहीं से निकलता है, वहाँ का तालाब को जैसा मछली पकड़ते है ना, हाँ, पानी निकलता है, ये पानी निकलता है ना। तो अच्छा जानकारी मिला हमको आके यहाँ पे, ये वाला पुराना यहाँ का जैसा वो सियान खत्म हो गया ना, हाँ हाँ, तो उससे वो लड़का लोग इतना ही बड़ा बड़ा है, जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, कोई इसको दोबारा मतलब बना नहीं रहे हैं। तो सरपंच जी तो था, इसको मैं मेरे लिए हमारा लिए गांव के लिए बनाऊंगा बोल के बोला, हाँ। तो इसको ये बनाया, हाँ। ये भी फट गया था, उसको फिर रिपेयरिंग किया, फिर रिपेयरिंग किया ना, तो लगाते हैं यहीं। तो इसको सरपंच एक बार गांव वाले बोलते नहीं क्या कुछ इसको करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, रोड रोड को भी थोड़ा? अभी तो नया बना है, ये नया बना भी है, नया बना है, तो इस तालाब में आप नहा सकते हैं, हमेशा पानी रहता है इसमें, गर्मी के महीने में भी पानी रहता है, क्या इसका यहाँ का पानी इसका कभी नहीं सूखता है, ये एक खास बात है इसमें। कितना गहरा है ये? ये नहीं है, 5 फीट जैसा है, 5 फीट इतना। तो आप भी नहा सकते हैं इस तालाब में इसमें, बिल्कुल नहाएंगे अभी, एकदम ठंडा है, बर्फ जैसा है यहाँ का पानी, बर्फ जैसा। किसान भाई बता रहे हैं ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ से एक पानी का स्रोत है वो निकलता था, ये जो कुंड दिख रहा है आपको, कुंड बना हुआ है, अभी भी निकलता है कुछ, ये भी वो निकल रहा है पानी, निकला है अभी ना, अभी निकला हुआ पानी, ये पानी इतनी चिर हुआ था, हाँ। ये कम नहीं होने वाला। ये जो शिवलिंग है बहुत पुराना है और जो बर्ग वृक्ष है बहुत पुराना है, करीबन 200 साल पुराना बर्ग वृक्ष है, और यहाँ आके हमको अच्छा लगा, और मेला भी लगता है यहाँ पे महाशिवरात्रि में। देखिए ये पूरा जंगल के बीच में है, एक कुंड है, एक कुंड है जो पानी हमेशा रहता है, गर्मी की भी मौसम में भी पानी रहता है, ठंड की भी मौसम में पानी रहता है, आप किसी महीने में आइए आप, यहाँ पानी रहता है कुंड में, और यहाँ मानना है कि जो कुंड में नहाता है जिसको खुजली उजली होता है वो ठीक हो जाता है, और जो शिवलिंग है बहुत पुराना शिवलिंग है वो, यहाँ पे जो आपको दिखाया है वो बहुत पुराना शिवलिंग है, और यहाँ पे महाशिवरात्रि मेला भी लगता है, सावन के महीने में काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे, और जो एक कुंड में बहुत लोग नहाते हैं, यहाँ के दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए, और हम भी आए हैं यहाँ पे, हम भी इसमें नहाने के लिए विचार कर रहे थे अभी, और हमको भी अच्छा लगा हम, और इसमें देख के यहाँ पे आके, और यहाँ का जो वातावरण है बस्तर की बहुत अच्छा है। ये छिंद रथ इसी से निकाला जाता है, जो गड्ढा दिख रहा है वहाँ पाइप डाल के एक हंडी डाल देते हैं, फिर रात में वो हंडी पूरा पानी भर जाता है छिंद रस, फिर उसको जाके मार्केट में बेचते हैं और उसको बस्तर के लोग पिए जाते हैं, और अच्छा लगता है पीने में भी, मैं भी पिया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी बस्तर आते हैं कभी भी तो छिंद रस पी सकते हैं। और भाई लोग नहाने की इच्छा कर रहे हैं, क्यों नहाओगे भाई? नहाना क्या, नहाना है। देखो भाई, अब आए हैं पिकनिक में तो नहाना पड़ेगा ना आपको, तब तो मजा आएगा ना। ये देखिए पानी को, पानी भर है वाटरफॉल में, ये पानी जा रहा है, पानी अभी मस्त भर रहा है, नहाने वाने के लिए बढ़िया रहेगा। ये झरना है और ये झरना में बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं और आप भी नहा सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। नहा भाई, नहा रहे हो क्या? नहा रहे ना, बहुत पानी आ रहा है और यहाँ पे पिकनिक विकनिक पार्टी वार्टी करने के लिए बहुत जगह है। कौन फ्रेंड है क्या आपका? कौन फ्रेंड पूछ रहे हैं आप? लड़का है कि लड़की है? लड़का है। अरे यार, ये जवान आदमी है, गर्लफ्रेंड है तो वो तो सबका रहता है, सबका रहता है, छोटे छोटे बच्चे लोग का जो जानता नहीं है उसका भी रहता है। हाँ, सही है। चलो ना, ये पंडरी पानी है। मैं है बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं है बस्तर जिला चो आदिवासी पीला।
फले रे गुड़ का मंदर घूम घूमे से गुड़ का मंदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी जो फैले रे गुड़ का मंदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी जो फैले अमर फसा के रसवती आसी अमर संगे बसा मांदी देवी तमर फसा के रसवती आसी अमर संगे बसा जानी गली तुमर कथा के रसिया जानी गली तुमर कथा के रसिया जानी गली तुमर कथा मांदी देवी तमर फसा के रसवती आसी अमर संगे बसा